नमस्कार दोस्तों, मैं सागर चैनल में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नया वीडियो मिलता रहेगा। तो आइए देखिए, इस वीडियो में भी हम आपको अच्छी जानकारी जो है मिल रही है, इसको देखिए ध्यानपूर्वक। देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं साइलेंट लेटर्स इन वर्ड्स, अनुच्चारित अक्षर। अब इसमें देखिए, बी साइलेंट कहाँ कहाँ बी साइलेंट हो जाता है ये देखिए। पहला नियम दिए हैं, यदि किसी शब्द में यम के बाद बी तथा टी से पूर्व बी दिया हो तो बी साइलेंट रहता है। अब लिखे हैं आप बाम। अब देखिए, यम के बाद बी दे दिया है, इसको हम पढ़ेंगे बाम। बाम माने होता है बम। यहाँ लिखे हैं टाम। अब यम के आगे देखिए बी दिया है तो बी का उच्चारण क्या होता है, साइलेंट समाधि होता है। यहाँ लिखे हैं डम। यहाँ देखिए यम के बाद बी दिया है तो बी का उच्चारण क्या हो गया, साइलेंट यानी गूंगा होता है, डम मीन्स। यहाँ लिखे हैं डाउट, यानी टी से पहले देखिए बी दिया है तो बी का उच्चारण क्या हो गया, साइलेंट। इसी प्रकार लैम, देखिए बी से पहले यम दिया है तो यम का उच्चारण होगा लेकिन बी का उच्चारण नहीं होगा, यानी यम के बाद बी दिया है तो बी का उच्चारण जो है साइलेंट हो जाता है, लैम माने मेमना। फिर यहाँ दिए हैं पी साइलेंट, यानी पी कहाँ कहाँ साइलेंट हो जाता है। यदि किसी शब्द में पी के बाद यन तथा यस से पूर्व पी दिया हो तो पी साइलेंट रहता है। जैसे यहाँ लिखे हैं न्यूमीनिया। अब पी के बाद देखिए क्या है, यन दिया है तो इसमें पी का उच्चारण क्या हो गया, साइलेंट हो गया। फिर यहाँ न्यूमैटिक्स माने वायु स्वास्थ्य, पी के बाद देखिए यन आ रहा है तो पी का उच्चारण क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। फिर यहाँ लिखे हैं साम, देखिए पी के बाद यस आ रहा है तो इस पी का उच्चारण क्या हो जाएगा, साइलेंट। इसी प्रकार साइकोलॉजी, पी के बाद देखिए यस आ रहा है तो इस पी का उच्चारण क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। फिर दिए हैं, यदि किसी शब्द में यम के बाद यन दिया हो, यानी यम के बाद यन दिया हो तो यन साइलेंट रहता है। जैसे यहाँ लिखे हैं आटम, यम के बाद देखिए यन दिया है तो इस यन का उच्चारण क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। फिर यहाँ लिखे हैं कॉलम, यम के बाद देखिए यन है तो इस यन का उच्चारण क्या हो गया, साइलेंट। यहाँ लिखे हैं कंडम, यहाँ भी देखिए यम के बाद यन दिया है तो यन का उच्चारण क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। कंडम मीन्स निंदा करना। फिर दिए हैं यल साइलेंट, यानी यल साइलेंट कहाँ कहाँ होता है ये जानना ज़रूरी है। यदि किसी शब्द में यम यफ के तथा डी से पूर्व वेल दिया हो, यल दिया हो तो यल साइलेंट रहता है। जैसे यहाँ लिखे हैं काम, ठीक काम दिए हैं तो ये बोला है, यदि किसी शब्द में यम यफ के तथा डी से पूर्व, यानी यहाँ देखिए यम दिया है, यम से पहले यल आ गया तो इस यल का उच्चारण क्या हो गया, साइलेंट हो गया। यहाँ देखिए यफ दिया है, यफ से पहले यल दिया है, देखिए इसमें यल दिया, यफ इसमें है तो इस यल का उच्चारण जो है साइलेंट हो जाता है, हाफ पढ़ते हैं इसको। इसी प्रकार टाक, के से पहले देखिए यल दिया है तो इस यल का उच्चारण क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। इसी प्रकार कुड, यानी डी से पहले देखिए यल दिया तो इस यल का उच्चारण क्या हो गया, साइलेंट। फिर दिया कॉफ, यफ दिया, यफ का यफ के पहले यल दिया, यल का उच्चारण जो है साइलेंट हो गया है। फाक, फिर के दिया, इसका उच्चारण, इसके पहले यल दिया, इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, साइलेंट। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।